हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, अब जो भयंकर तबाही होने वाली है, जो ये स्थिति ग्रहों की बनने जा रही है, इसे बहुत गहराई से समझिएगा और बिना स्क्रिप्ट किए समझिएगा, क्योंकि इस ग्रह स्थिति को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इस गहराई को, इस विषय को गहराई से समझेंगे तो आपको ये क्लियर हो पाएगा कि हाँ, क्यों जरूरी है इसे पूरा देखना। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा करने वाले हैं मंगल की। मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है और ये परिवर्तन आपने सुना होगा, कई सारी वीडियो देखी होगी कि 2025 में अब इस कलयुग का अंत होने वाला है, दुनिया सब नष्ट होने वाली है। भविष्य मालिका और भी अन्य प्रमाण आपने देखा होगा। तो ये जो कहते हैं ना कि एक शुरुआत, कोई भी बड़ी समस्या से पहले उसके कुछ संकेत मिलते हैं, अब वही संकेत मिलने जा रहे हैं, जो कि कलयुग का अंत नहीं है 2025 में, पूरी दुनिया अभी रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि 2025 में जो स्थिति अब बनने जा रही है, इस ग्रह मंडल में, इस ब्रह्मांड में जो ग्रह स्थितियों का एक संकेत मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि 2025 में बड़ी तबाही, बड़ी समस्या जीवन में आने वाली है। हमने 2020 से लेके अब यहाँ पर हमने देखा अपने जीवन में कि एक ऐसी बीमारी जो कोरोना का रूप लेके आई और पूरे दुनिया में तबाही त्राही त्राही हो गई, उसी तरह अब 2025 में पुनः कोई न कोई ऐसी स्थिति अब बनने जा रही है जो कि लोगों के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावी करने वाली, जीवन में समस्याओं को देने वाली स्थिति। क्या संकेत है ये समझ लेते हैं। ये हम 2025 की उस घटना का या वो ग्रह स्थिति की चर्चा विशेष रूप से तो नहीं कर रहे, पर हम चर्चा कर रहे हैं मंगल की। देखिए, अभी जस्ट 2024 में ही, इसी महीने ही 17 तारीख को ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन हुआ अपनी नीच की राशि में। अब 20 अक्टूबर को ग्रहों के सेनापति मंगल का परिवर्तन अपनी नीच राशि में, और ये जो शुक्र का भी परिवर्तन हुआ तो शुक्र का भी परिवर्तन मंगल की ही राशि में हुआ, परंतु वो शनि और राहु से भ्रष्ट होकर बहुत पीड़ित हुई। तो लगातार जो ग्रह स्थितियां बनने जा रही हैं वो ये सूचना दे रही हैं, और भी समझिए मंगल के बारे में तो आप समझ पाएंगे। ये मंगल का परिवर्तन दो दिन चार दिन के लिए नहीं हो रहा है, बहुत लंबे समय, 2025 में जून में अब परिवर्तन होगा मंगल का सिंह राशि। अभी ये 20 अक्टूबर को परिवर्तन करेंगे कर्क में, फिर दिसंबर में वक्र अवस्था में जाएंगे, फिर फरवरी के आसपास ये मार्गी होंगे और फिर कर्क में पुनः, और फिर जाके सिंह में गोचर करेंगे। तो ये जो गोचर काल है ये मंगल का, और खासकर 2025 में जब गोचर काल पुनः ये नीच अवस्था में जाएंगे, बुरी तरह कर्क में फिर से मार्गी होंगे, तो ये जो ग्रह स्थितियां हैं, सोचिए कि अभी अक्टूबर से लेकर लगातार जून 2025 तक, इतना लंबा समय आपने बहुत कम ये देखा होगा, और लगातार ये जो ग्रह स्थितियों का कहीं ना कहीं पीड़ित होना ये सूचना देता है। और आगे चल के शनि का भी परिवर्तन 2025 में, राहु का परिवर्तन, युति राहु शनि की, अन्य ग्रह स्थितियों की युति आप लोग कहेंगे तो उसकी हम चर्चा 2025 की करेंगे अलग से, परंतु ये जो ग्रह स्थितियां आगे बनने जा रही हैं और ये जो सूचना मिल रही है, कहीं ना कहीं समस्या बहुत है। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के जीवन में इस मंगल का क्या प्रभाव होगा नीच अवस्था में, और फिर उपाय जानेंगे। देखा जाए तो मंगल का ये जो परिवर्तन है आपके तृतीय भाव में होने जा रहा है गोचर काल, और मंगल आपके बेस भी हैं और आपके सप्तमेश भी होते हैं। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है कहीं ना कहीं आप जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी में कई ऐसे निर्णय लेंगे
जो आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करने वाले होंगे। छोटे भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद होना, और कोई आप परीक्षा में है, प्रतियोगिता में है, कंपटीशन में है, वहां पर कहीं ना कहीं आपका पराजित होना, ये स्थिति बनेगी। जो कि मंगल का यहाँ पर गोचर कई मामलों में बहुत श्रेष्ठ होता है, परंतु मंगल की समय स्थिति वो नहीं है जो आपको लाभ दे सके। हाँ, एक बात जरूर यहाँ पर आप देखने को आपको मिल सकती है कि जब जब मंगल का नीचत्व भंग होगा, बीच बीच नीचत्व भंग भी होगा, खासकर चंद्रमा भंग करेंगे, और भी कई परिस्थितियां हैं उसकी हम यदि विस्तार में चर्चा करें तो, क्योंकि ये लगभग 7 महीने 8 महीने का मंगल का परिवर्तन है तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। पर सूक्ष्म रूप से समझ लीजिए कि बीच बीच जब मंगल का भंग होगा नीचत्व, उस समय उस चीज का लाभ होगा कि आपको कई सारे जो बिगड़े हुए काम इस समय मंगल के गोचर में कर्क राशि में गोचर करते हुए होंगे, उसमें कुछ राहत मिलेगी, परंतु वो राहत भी इतनी कम है कि हो सकता कई लोगों को महसूस ना हो। और मंगल का ये जो परिवर्तन काल है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में शत्रु बाधा को बढ़ाने वाला, आपके जीवन में रोग और ऋण को देने वाला, कई सारे रोगों की उत्पत्ति, खासकर ब्लड से संबंधित, क्योंकि मंगल विशेष रूप से ब्लड से ब्लड का आधिपत्य रखते हैं, और भी कई चीजों का, पर विशेष रूप से ब्लड का। तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना चाहिए, किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, जितना दूरी बनाए रखें वाद विवाद से उतना ही अच्छा है, और कर्ज बिल्कुल भी ना तो लेना चाहिए ना देना चाहिए। समझ लीजिए 7 से 8 महीनों के लिए कर्ज को आप भूल जाइए, ना देना है ना लेना है। इसके अलावा आप अपने जीवन में इस समय यह भी महसूस करेंगे कि मेहनत तो आप कर रहे हैं परंतु वो सफलता नहीं मिल रही, क्योंकि इस समय भाग्य का भी साथ नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से भाग कमजोर होने की वजह से कई बार हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर हम कहते हैं कि हमको ऐसा फल नहीं मिल रहा है। और पिता के भी जीवन में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में समस्याएं थोड़ा, और करियर को लेके इसमें चिंताएं बढ़ेंगी, करियर में बड़े उतार चढ़ाव, और कई लोग इस समय संभवतः कहा जाए, जो कि कहना नहीं चाहिए, एक ज्योतिषी का काम यह होता है कि आपको प्रोत्साहित करे, परंतु आपको अपने जॉब को बचाने के लिए स्थितियां मुश्किल होंगी। तो आप अपने जॉब में अपने करियर में बहुत ध्यान से रहिए, पूरी मेहनत करिए ईमानदारी से, और बिल्कुल भी आलस्य मत करिए, ये मत देखिए कौन क्या कर रहा है, आपका जो कर्म है उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाइए, तो जिससे आपका जो एक माध्यम है धन आगमन का वो चलता रहे। क्योंकि जीवन में देखिए हर चीज महत्वपूर्ण है, सबका अपना अपना अलग स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु जब हमारे पास पैसा आना बंद हो जाता है, हमारा करियर खराब होता है, तो फिर सभी रास्ते बंद होते हुए कई बार दिखाई देते हैं। इसलिए बहुत सावधानी के साथ अपने करियर में आपको कुछ भी कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि भाई दूसरा व्यक्ति जो काम मेरे ऑफिस में कर रहा है या मैं जो भी काम जहां भी कर रहे हैं आप, तो वो नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। हमको अपना कर्तव्य निभाना है, दूसरा क्या कर रहा वो जाने, उसका फल जाने, जैसा कर्म करेगा वैसा पाएगा, हमें अपना कर्तव्य अच्छे ढंग से निभाना है। तो अपने करियर में बहुत सावधान हो जाइए। इसके अलावा इस समय व्यय की स्थितियां और दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ में भी कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को मिलने वाली है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। व्यापारियों को भी सावधान रहना है और हर एक व्यक्ति को सावधानी बरतनी है। सबसे बड़ी सावधानी ये होगी कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वाद विवाद बिल्कुल मत करिए, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं, जल्दबाजी आप करेंगे फंस जाएंगे। चाहे जल्दबाजी में किसी कुछ बोलना हो, कोई काम करना हो, कोई निर्णय लेना हो, कुछ भी करना है जल्दी में तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मंगल का जो कहना चाहिए एक आउटकम निकल के आता है, एक निचोड़ निकल के आता है, चाहे मंगल की महादशा की आप बात करें, अंतरदशा की, या मंगल की कोई परिवर्तन या राशि प्रभाव या अन्य स्थितियों की, तो मंगल का जो प्रभाव है वो शनि से भी ज्यादा खराब होता है। लोग 7.5 से डरते हैं, 7.5 कभी किसी का नुकसान नहीं करती,
वास्तविकता बताती है कि है क्या दुनिया। पर यदि हम माने भी नुकसान साढ़े साथी का, तो साढ़े साथी ढैया से भी ज्यादा खराब प्रभाव देने वाला जो एक काल कह सकते हैं वो मंगल का काल होता है, क्योंकि मंगल जिसको नीचे गिराते हैं वो जल्द उठ नहीं पाता। एक बात मैं बता दूं कि मेरा बिल्कुल भी ये उद्देश्य नहीं कि आप डरें, न डराने के लिए वीडियो है, ये आपके जीवन में जो समस्याएं हैं उनसे सावधान करने के लिए। क्योंकि एक बात ये भी समझिए कि ये मात्र एक ग्रह है, जो हमने चर्चा की कि कई ग्रहों की स्थितियों में परिवर्तन है, पर हमने विशेष रूप से मंगल की चर्चा की। संभवतः अन्य ग्रह आपको सपोर्ट भी कर रहे हों, तो स्थितियों को संभाला जा सकता है। संभवतः आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छी दशा चल रहे हो, तो आपको इन सब चीजों का कोई प्रभाव ही ना दिखे। यही मंगल का गोचर काल कई लोगों के लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। अब देखिए कोरोना में कितने लोग परेशान थे, पर ऐसे बहुत सारे सेक्टर थे जिन्होंने बहुत लाभ उठाया, लखपति करोड़पति बन गए। तो हमेशा जब कोई समस्या होती है तो उसमें भी कोई अपॉर्चुनिटी होती है, और जब बहुत अच्छा चल रहा होता है जीवन में या दुनिया में, उस समय भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो ये प्रकृति का नियम है कि अच्छा है तो बुरा भी है और बुरा है तो अच्छा भी है। सिक्के के कभी भी एक पहलू नहीं होते, दो पहलू होते हैं। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता है। तो अपनी जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियों को एक बार अवश्य चेक करिएगा, जिससे आपके जीवन में जो स्थितियां हैं वो क्या कैसे प्रभाव डालेंगी। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो मात्र इस गोचर के आधार पर नहीं लेना है। जो आपने प्रभाव सुना मुझसे गोचर के आधार पर था, क्योंकि ये 50% ही अपना रोल निभाता है और 50% आपकी जन्म कुंडली। तो निर्णय लेने से पहले एक बार जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराइए या करिए, इसके बाद निर्णय लीजिए। आइए अब हम उपाय की चर्चा कर लेते हैं। तो उपाय की बात करें तो मंगल के यदि प्रभाव को बेहतर बनाना है, हनुमान जी की आराधना, मात्र हनुमान जी की आराधना आप करिए। जितनी सेवा कर सकते हैं हनुमान जी की करिए, हनुमान चालीसा करिए, सुंदरकांड करिए, रामायण करिए, राम नाम का जप करिए। और सबसे बड़ी बात, राम नाम का जप और हनुमान जी के दर्शन नित्य प्रति नियम जीवन का बना लीजिए। मुझे मंदिर तो जाना ही जाना है, मंदिर जाइए, हनुमान जी की सेवा करिए, कल्याण होगा। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा, क्योंकि नाम स्मरण से कलयुग में उद्धार है। तो नाम स्मरण खूब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।